नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। तो सब खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी का आने वाला पूरा जीवन बदल ना जाए तो फिर कहना मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। परंतु एक शर्त है, आपको वीडियो को लाइक करके अंत तक देखना होगा। उसके बाद हम गारंटी लेते हैं अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी का जीवन 101% बदल जाएगा और धन की समस्या खत्म हो जाएंगे। पैसे की बारिश ना हो जाए तो फिर कहना हम भविष्यवाणी करना छोड़ देंगे। मेरा भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है, आज एक बार फिर देख लेना दोस्तों। आप सभी को बता दे कि एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसको करने से मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर माता लक्ष्मी की आपके ऊपर सीधे कृपा होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, और आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बहुत प्रबल हो जाते हैं। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, ये अंक शास्त्र और वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही सुंदर मेल है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के परिणाम आपको 24 घंटे के भीतर भीतर दिखाई देने लगेंगे। यदि आप इस उपाय को सच्चे मन से पूरे भक्ति भाव के साथ विश्वास के साथ करती है तो आपको निश्चय ही लाभ प्राप्त होंगे। आपके जीवन में कभी फिर धन दौलत की कमी नहीं होगी, रुपए पैसे की आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर आजकल बहुत खींचतान चल रही है। व्यापार धंधे भी आपके अच्छी नहीं चल रही है, रुपए भी आपके यहां कहां अटक जाते हैं या नहीं। आपने जिसको भी उधार दिया, ये जिस भी व्यापार में निवेश किया, आपका रुपया फंस गया। आपको मनचाही परिणाम अब तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं तो अब आपको हम भी नहीं जा रहे हैं। एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने की सत्यता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे आपकी राशि में दो ऐसे ग्रहों के बारे में जो आपके जीवन में बहुत शक्तिशाली प्रभाव रखते हैं, लेकिन आप उनके बारे में अब तक ठीक से नहीं जानते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको कौन से ऐसे उपाय हैं। उपाय छोटे छोटे होंगे लेकिन आपको करने बहुत आवश्यक रहेंगे। इससे आपके ग्रहों को शक्ति प्रदान होगी जो आपके लिए घर में धन दौलत लेकर आएंगे और आपके घर में आय के ऐसे ऐसे स्रोत खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है और बहुत मेहनत से हमें तैयार किया है। हमारी पूरी टीम ने बहुत गहरी रिसर्च के बाद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का एक वीडियो लेकर आए हैं। तो हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक बार हमारे कहने से देखें। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगा, आपको एक सही दिशा देगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ दुर्गे लिखना ना भूलें। जिनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम सबको माता की कृपा की अत्यंत आवश्यकता रहती है और माता दुर्गे शक्ति का चक्र स्वरूप है, इसलिए हमें हर वक्त उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए और उनकी कृपा की हमेशा इच्छा अपने मन में रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप बड़े बड़े सपने भी अपने मन में रखते हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते आपने अपने सपने कहीं दबाकर अपने मन में कौन है मैं छुपा कर रख दिए हैं। आपने उम्मीद ही छोड़ दी है और आप अब परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने आप को जॉब चुके हैं, लेकिन तू तो उम्मीद अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अगर आप अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी कदम उठाएं, थोड़ी थोड़ी सुधार करते चलें, तो आपको निश्चय ही लक्ष्मी का लाभ प्राप्त होगा। रुपए पैसे की आवक आपके पास निश्चय ही होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी मेहनत का हमें पूर्ण फल प्राप्त क्यों नहीं होता है, कभी आपने ऐसा सोचा है? इसका कारण ये दोस्तों कि हमारे आसपास
कभी कभी कुछ नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती हैं जो हमारे धर्म के संपूर्ण फल को हमारे तक आने से रोक देती है। जी हाँ दोस्तों, और यह नकारात्मक ऊर्जा आती कहां से है? यह नकारात्मक ऊर्जा कहीं से आने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हमारी समाज में, हमारे वातावरण में कुछ ऐसा सिस्टम ही बना हुआ है कि हर तरफ नकारात्मकता फैली हुई है। लोग एक दूसरे की बुराइयों में डूबे हुए हैं, हर समय शिकायतें करते रहते हैं, काम में मेहनत में मन नहीं लगाते हैं, हर वक्त यही चाहते हैं कि कहीं से लॉटरी लग जाए, कहीं से कुछ उल्टा सीधा प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब नकारात्मकता का ही परिणाम है। आपको इस तरह नहीं सोचना है। हालांकि आप इस तरह के इंसान हैं भी नहीं, आपको इन सब कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप कभी कभार संगत के प्रभाव में आकर इस तरह की सोच अपने मन में पानी पी लेते हैं। बाद में आपको जब इस बात का एहसास होता है कि यह गलत है, तो आप उसे त्याग भी देते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अंदर से अपने मन से बहुत ही भावुक और बहुत ही उच्च मनोबल के इंसान हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों ने आपको इतना तोड़ा है कि अंदर ही अंदर अब आप अपनी असली शक्ति को भूल चुके हैं। जी हां दोस्तों, और हमारा प्रयास बस इतना रहता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से जागृति आ जाए, आपका जीवन प्रकाश में हो जाए, आपने जो सोचा है अपने लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर लें। अगर आप अपने लक्ष्य को थोड़ा भी हासिल कर पाते हैं और हमारी मदद से कर पाते हैं, तो हम समझ लेंगे कि मां भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति सफल रही, हमारा जीवन और प्रयास दोनों ही सफल हो गए। दोस्तों, इसलिए हम आपके लाए रोज कुछ नया अपनी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं और हम इसके लिए बहुत मेहनत करती हैं। यकीन जानिए दोस्तों, हर वक्त कुछ ऐसा चमत्कारी, कुछ ऐसा क्रांतिकारी खोजते रहते हैं जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार से परिवर्तन आ जाए। जी हां दोस्तों, फिर भी हम आपसे एक बात अवश्य कहना चाहेंगे दोस्तों, कि चाहे आप कितना ही पूजा पाठ कर ले, चाहे आप कितनी ही भक्ति कर ले, लेकिन आपने यदि कर्म को महत्व नहीं दिया तो आपका साथ स्वयं भगवान भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भगवान भी उनका साथ देते हैं जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं। हालांकि आपकी राशि के जातकों में मेहनत करने का गुण बहुत पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर एक दुर्गुण भी पाया जाता है कि इनके अंदर धैर्य की बहुत कमी होती है। जी हां दोस्तों, और इसी धैर्य की कमी के चलते आप कभी कभी अपने कार्यों को बीच में ही छोड़ भी देते हैं। जी हां दोस्तों, आप जब मेहनत करते हैं, किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और आपको मन वांछित फल प्राप्त नहीं होते हैं, जो आपने सोचा वैसे परिणाम प्राप्त नहीं होती है, तो आप बड़ी जल्दी धीरज को देते हैं और बहुत जल्दी ही आप कुछ काम को छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि शुरुआत में मेहनत लगती है, बाद में परिणाम प्राप्त होती है, तो आपको अपने मन में धैर्य बनाकर रखना होगा। इसी प्रकार दोस्तों, हम कमेंट में भी पढ़ते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि आप जल्दी से कुछ क्यों नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए कि हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका मनोबल भी ऊंचा रहे और आपको हमारे द्वारा बताई गई बात पूरी तरह से समझ में भी आ जाए, ताकि बाद में आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठे ही ना। जी हां दोस्तों, हम संपूर्ण ध्यान देने की कोशिश करते हैं, इस वजह से हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको पूरे धैर्य के साथ इन वीडियोस को देखना है। लेकिन वीडियो में जो ध्यान दिया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण खजाना दिया जा रहा है, वही पूरे YouTube पर कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जितनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए उतना कोई कर नहीं सकता, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वह कौन सा महत्वपूर्ण उपाय है जिसे करने से मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर आपको RS2 पैसे की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। जी हां दोस्तों, लिखने से पहले आपको यह बता दें कि माता लक्ष्मी की सगी बहन का नाम दरिद्रता है, और माता लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं जाती जहां दरिद्रता का वास होता है। जी हां दोस्तों, आप ऐसा मान सकते हैं कि दोनों बहनों में
आपस में खड़ी शत्रुता है। जी हाँ दोस्तों, तो दरिद्रता कहाँ रहती है आप यह समझिए। जिस घर में गंदगी रहती है, जिस घर में बासी भोजन खाया जाता है, जिस घर में महिलाएं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, जिस घर के दरवाजे पर गंदगी रहती है, जिस घर में बासी भोजन खाया जाता है, जिस घर में महिलाएं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, जिस घर के दरवाजे पर गंदगी होती है, जहां समय से पूजा पाठ नहीं किया जाता, भगवान की भक्ति नहीं होती और जहां लोग हर समय नकारात्मक वातावरण में डूबे रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मन में बैर पालते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। और यदि ऐसे घर में रहने वाले लोग माता लक्ष्मी की कितनी ही पूजा पाठ करें, तब भी माता लक्ष्मी का आगमन उनके घर में हो नहीं सकता। सबसे पहले उन्हें अपने घर से दरिद्रता को बाहर निकालना होगा, और दरिद्रता को बाहर निकालने का सबसे सरल उपाय है कि अपने घर को पूर्ण व्यवस्थित रखें, साफ सुथरा रखें, अपने घर के चारों कोनों को उजला रखें, साफ रखें और हमेशा ताजा भोजन करें और भगवान की भक्ति में डूबे रहे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सरल मार्ग है, इतना कठिन भी मार्ग नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो दरिद्रता को मजबूरी में आपके घर से बाहर जाना पड़ता है, और जब दरिद्रता आपके घर से बाहर चली जाएंगी, फोटो पर माता लक्ष्मी स्वयं अपने आप आपके घर में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या उपाय करना है। तो पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं, यह वास्तु शास्त्र से संबंधित या दोस्तों, लेकिन इसी के साथ साथ आपको हम यह बता दें कि आपको अपनी राशि के एक ऐसे ग्रह को भी मजबूत करना है जिससे आपको बहुत धन लाभ होने वाला है। और यदि आपने उस ग्रह को पसंद नहीं किया, मजबूत नहीं किया, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होना लगभग असंभव है। जी हाँ दोस्तों, सुनिए उसके बाद हम आपको उस ग्रह को कैसे प्रसन्न करना है और कौन सा है वह ग्रह है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों सुनिए ध्यान से कि उपाय क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, धन लक्ष्मी की हमेशा कमी बनी रहती है, तो आपको कांच का एक कटोरा लेना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कांच की उस कटोरी में आपको सिक्के भरने हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 से कौन से काम नहीं चलेगा, अगर हो सके तो उस कटोरे को सिक्कों से पूरा भरते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उस कटोरी को जल्द से भी भर दे। जी हाँ दोस्तों, और आपको उस कटोरे को अपने घर के नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर पश्चिम कोने में रखना है बस, और उस कटोरे को ढककर नहीं रखना है, उसे खुला रखना है। आपको ध्यान से समझना होगा, इसे सौभाग्य का कटोरा कहा जाता है। जी हां दोस्तों, इसे वास्तु शास्त्र में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यदि आपने मां प्रक्रिया अपने घर में कर दी तो आप देखेंगे कि अगले दिन से ही आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा और फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी, धन लक्ष्मी घर से बाहर निकलना लगभग बंद हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, अब इसी के साथ साथ आपको यह भी करना है, यह उपाय अंक शास्त्र से लिया गया है। इसी के साथ साथ आपको यह करना है कि अपने बाएं हाथ पर, जी हां दोस्तों, बाएं हाथ पर आपको इन अंकों को लिखना है। इन्हें सौभाग्य का अंक माना जाता है, धन लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला अंक माना जाता है। जब आप इन आंखों को अपने बाएं हाथ पर लिख लेंगे तो यह अंक चुंबक की तरह आपकी तरफ लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे। जी हां दोस्तों, को ध्यान से सुनना है, अंक है 8, 9, 7। जी हां दोस्तों, और उनकी नीचे आपको लिखना है 7, 8, 1। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुने, 8, 9, 7 और उनके नीचे 7, 8, 1। जी हां दोस्तों, और जब आप इन अंकों को लिख ले तो उसके बाद उन्हें चारों तरफ से लाइन खींचकर एक बॉक्स बनाए, एक डब्बा बनाएं जिसमें उन्हें बंद कर दें। जी हां दोस्तों, इतना करते ही आप देखेंगे कि चमत्कार घटित होना शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा।
आपकी पदोन्नति के आसार बढ़ जाएंगे। यानी किसी भी माध्यम से आए आपके घर में धन लक्ष्मी अवश्य ही आना शुरू हो जाएगी। और यह भी हो सकता है कि यदि आपका रुपया पैसा कहीं अटका पड़ा था, किसी को उधार दिया था, यह विवादित स्थिति थी, तो वह सुलझ जाएगी और आपको तुरंत रुपए पैसे मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे करने से बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि एक कटोरा रखने वाला जो सौभाग्य का कटोरा रखने वाला उपाय है, यह आपको शुक्रवार के दिन करना है। शाम के समय करें अति उत्तम रहेगा। मैं समय बताना दिन बताना भूल गया था। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको अपनी कुंडली में, अपनी राशि में मजबूत करना ही होगा, अन्यथा आप कितने भी उपाय कर लें, माता लक्ष्मी की आपके घर में कृपा नहीं हो सकती। तो वह ग्रह गुरु जी, हां दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति जी। हां दोस्तों, ने देवताओं का गुरु माना जाता है। और जब तक आप गुरु को पसंद नहीं करते हैं, गुरु को शक्तिशाली नहीं करते हैं, आपके ऊपर किसी भी देवी या देवता की कृपा हो ही नहीं सकती है। जी हां दोस्तों, और इसका प्रमाण यह है कि आपने हनुमान चालीसा की वह लाइन बड़ी ही होगी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जी हां दोस्तों, यानी कि गुरुदेव को पसंद करेंगे तभी हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो अब आपको गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, इसे ध्यान से सुनिए। उपाय बहुत ही सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से उसी कर सकती हैं। तो आपको गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह नहा धोकर तैयार हो जाना है। हो सके तो पीले वस्त्र पहन लें, यदि पूरे नहीं तो एक आध वस्त्र पीला अवश्य पहने, और केले की जड़ का पूजन करें। जी हां दोस्तों, गुरुवार की पूजा में केले की जड़ का बहुत महत्व माना गया है। तो आपको करना यह है कि आपको केले की जड़ के नीचे गाय के घी का दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का, यह आटे का हो सकता है। उसके बाद आपको जल अर्पित करना है, और उसके बाद गुड़ चने की दाल और मुनक्के का भोग लगाना है, और उसके बाद उसी प्रसाद को आपको बांटना है और शादी खाना है। जी हां दोस्तों, अगर हो सके तो गुरुवार के दिन आप व्रत भी रह सकते हैं, ज्यादा नहीं, केवल 7 गुरुवार तक आपको व्रत रहना है। उसके बाद आप गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। उसी दिन अगर आप चाहे तो पीले रंग का भोजन आप दान भी कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र आप दान भी कर सकते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व है। ऐसा करने से देव गुरु बृहस्पति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर आप जो भी उपाय करेंगे, चाहे वो किसी भी देवी देवता से संबंधित हो पाएगा, आपको संपूर्ण फल प्राप्त होने लगेगा। जी हां दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो बंद होता है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करें, कमेंट में सवाल पूछे, हम आपके सभी सवालों के उचित जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे बस यही चाहेंगे कि यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और असरदार उपाय लेकर आते हैं, जिनकी आपको निश्चय ही फल प्राप्त होते हैं। और हां, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे अवश्य लिखें, जिनके साथ में माता दुर्गे उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका आने वाला समय मंगलमय हो।